आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो मैं आज आपको इस तरह का एक लटकन बनाना बताऊंगी जो बहुत ही खूबसूरत लगती है। इस तरह का, और इसमें आप एक मोती भी लगा सकती हैं तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे आप दुपट्टे में या साड़ी में कहीं भी इसे किनारे में ऐसे लगा सकती हैं आप, ये बहुत ही खूबसूरत लगेगी। और या तो आप थालपोश में लगा सकती हैं। तो चलिए मैं आज इसी का वीडियो बताने वाली हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं यहाँ थोड़ा सा डबल करके धागा मैं यहाँ कट कर चुकी हूँ, और इसे हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और इसे टेप की मदद से यहाँ पहले चिपका देंगे इसे इस तरह से। इस तरह से टेप की मदद से इसे हम चिपका देंगे ताकि ये खुले नहीं और हमारा ये टाइट बंधा हुआ रहे। और दूसरा टेप भी लगा देंगे हम इसे, दूसरा टेप हम नीचे लगाएंगे इस तरह से, यहाँ पे लगाएंगे इसे। इस तरह से इसे टेप लगा देंगे। तो अब देखिए मैंने इसे धागा को यहाँ चिपका लिया हुआ है टेप से। तो अब हमें क्या करना है, इस चारों उंगली के बीच में हमें देखिए धागा को इस तरह से लपेटना, जैसे हम पॉम्पम बनाते हैं उस तरह से। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, तो मैंने यहाँ 26 बार इसे धागा को लपेटा हुआ है। अब यहाँ से हम इसे धागा को कट कर देंगे इस तरह से, धागा को कट कर देंगे सारे। अब इन सारे धागों को हमें क्या करना है, इस धागे के नीचे रखेंगे हम सारे धागों को, इस धागे के नीचे रखेंगे। और अब देखिए अब क्या करना है हमें, और एक एक धागा लेंगे और हमें यहाँ पे गांठ बांधनी है इस तरह से। दो बार गांठ बांधेंगे ताकि ये मजबूती आ जाए। एक गांठ बांधा, एक गांठ और बांधेंगे हम इसमें इस तरह से। तो जितने भी मेरे धागे हैं मैं इसे पहले बांध लूँगी, देखिए इसी तरह से बांधना है आपको। आप पतली ऊन से भी बना सकती हैं, मोटे ऊन से भी बना सकती हैं। तो मैं यहाँ 4 प्लाई से बना रही हूँ, और जो मैंने पहले आपको दिखाया हुआ वो मैंने 2 प्लाई से बनाया हुआ है। तो इसी तरह से सारे धागों को मैं पहले बांध लेती हूँ। तो देखिए ये मैंने सारे धागों को बांध दिया हुआ है। अब सारे धागों को क्या करना है, हमें बराबर से काट लेना है। तो बराबर से काटने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से इसे पकड़ लेंगे और एक ही बराबर सारे को काट लेंगे हम इस तरह से। और इधर भी हम इसी तरह से करेंगे। तो एक धागा हम इधर से इस तरह से लेंगे ताकि ये पूरा बराबर में आ जाए। इसको इस तरह से पकड़ेंगे और देखिए बराबर का धागा यहाँ पे है, छोटा सा दिख रहा होगा आपको, इसके बराबर में हम इसे कट कर लेंगे इस तरह से। इसे कट कर लेंगे और यहाँ से टेप उखाड़ना है अब हमें, और इसे इस तरह से कट लेनी है। और ये जो सबसे बड़ा वाला धागा जो हमने चिपकाया हुआ था इसे हम यहाँ से हल्का सा कट कर देंगे ताकि ये थोड़ा लंबा ही रहे। इसे इस तरह से कट कर देंगे और इसे इस तरह से अच्छा से आप खोल भी सकती हैं इसे। इस तरह से कहीं सब इसे इस तरह से कर दें। ये बन जाएगी, जहाँ जहाँ थोड़ी सी बड़ी है वहाँ से इसे कट लगा देंगे हल्का सा, किनारे में थोड़ा कट लगा देंगे इसे से कट लगा देंगे।
यहाँ से भी टेप उखाड़ देंगे हम इसे, और इसे और भी अच्छा से इसे कर सकती हैं। तो देखिए ये बन के इस तरह से आ जाएगा। तो मैं यहाँ मोती भी, आप इस तरह से मोती लगा सकती हैं, आप इसमें इस तरह से मोती लगा के यहाँ आप लगा सकती हैं, और इसे आप थालपोस के किनारे, दुपट्टे के किनारे, साड़ी के किनारे में लगा सकती हैं। तो चलिए मोती लगा के मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसा लगेगा ये। तो देखिए ये हमारा ये लटकन बन के तैयार हो गया। तो कैसा लगा आज का वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, आपका कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। फिर कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। तो चलिए बनाइए और हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।